अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक है। मजे की न्यूज ये है कि कल इंशाल्लाह गुलनाज लोग आ रहे हैं। अभी तक जो बात हुई है ना उनके साथ, वो यही हुआ है कि सुबह वो घर से निकलते हुए हमें कॉल करके बता देंगे कि हम लोग निकल आए, बिल्कुल मतलब कल का फाइनल है। और हमने भी जाके जो है ना बुकिंग वगैरह करवा दी हुई है। बाकी घर के मामला ये बने हुए हैं, घर को इतना ज्यादा गंदा नहीं, बस चीजें वगैरह थोड़ी सेट करने वाली है, हल्का सा झाड़ू लगने वाला है। दूसरा ये है कि अब्दुल्ला की तबीयत जो है ना वो खराब हुई, उसको बुखार हुआ पड़ा, पता नहीं क्या सही बात है, उसको कोई नजर लग गई है, क्या मसला बना है। जिस दिन के यहाँ वापस आए पहले उसको वो मतलब सांस वाला मसला बन गया, उसके बाद उसको नजला हुआ है, अब बुखार हो गया है, और अब आगे एंड पे जो है ना उसको अभी कॉन्स्टिपेशन भी हुई है। पता नहीं मेरे ख्याल से कोई इन्वायरमेंट चेंज हुई है, उसकी वजह से मसला बन गया। हालांकि जब से हम लोग आए हैं रूम में उसको संभाल के रखा हुआ है, हीटर वगैरह अभी भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, तो उसके पास जनाब के पास हीटर चल ही रहा है। ये अक्सर अभी सामने टाइम वो देखें, हीटर उसके पास चल रहा है बिल्कुल। ये नया इसका फीटर लेके आए हैं, तो अभी जरा एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये वाला फीटर भाई साहब से पिया जाएगा कि नहीं पिया जाएगा, और वो फीटर भाई साहब वजनी है। आप पता क्या करें, आप काम की टेंशन ना लें, बाहर से सफाई का मैं थोड़ा थोड़ा साथ शुरू करता हूँ। आप इसको अगर फीडर पिलाना है आप पिला लें बैठ के, हाँ आप इसको पिला लें दूध, क्योंकि फीडर थोड़ा वजनी, आप इजी होकर बैठ के पिलाएं। मैं उस दिन बाहर से छोटी मोटी चीजें उठाता हूँ, फिर जब फीडर पी लेगा ना हम इकट्ठे मिलकर काम शुरू कर लेंगे। क्यों जी ब्रेड जैम क्यों नहीं लगाना आपने? ये चीजें वगैरह उठाते हैं मैट्रेस से, वहां पे वो रूम में वापस पहुंचाते हैं। पहले आयशा के रूम से जो है ना काम शुरू करते हैं। ये ले जी आयशा, पीछे पीछे मैंने मैट्रेस उठाना है, जान के देखे मैट्रेस के ऊपर आई जा रही है। अब्दुल्ला की अगर तबीयत ना खराब होती फिर इतना मसला नहीं था होना, फिर हम दोनों ना मिलकर काम कर लेना था। लेकिन अब्दुल्ला की तबीयत इस तरह की हुई पड़ी है कि वो अक्सा को ना एक मिनट भी अपने पास से जो है ना हिलने ही नहीं दे रहा। अब अक्सा उसको सुलाएगी फिर ही आएगी बाहर, और बल्कि साथ ना आयशा को भी बाहर ही लेके आ जाएगी। तो कोई नहीं चले, हम तो है ना उतने हल्के फुल्के बिस्तर वगैरह उठाते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें काम शाम करने वाले हैं वो करते हैं। ये मैट्रेस यहाँ से उठाया हुआ था, मैट्रेस जल्दी जल्दी सेट कर देते हैं और उसके बाद जो है ना बाकी काम कर लेते हैं। अब्दुल्ला सोया कि नहीं सोया? फिर अच्छा आयशा पास आती है, क्यों आती है? खोल के दोबारा बंद करें, आराम आराम से बंद। पता नहीं है क्या चक्कर है, कौन सी नई आवाज निकाल रही है। दिन में भी ऐसे ही कर देख रही थी इसको, ये आराम से नहीं है। चलो कोई नहीं, आराम से तो नहीं ना आती तेज की, तो खैर ही हमने कौन सा दर दर मारना है। ये वाले रूम की मैंने बेडशीट नीट कर दी, एक पिल्लो पड़ा था आयशा उधर, अक्सा पिल्लो था एक, वो वाला पिल्लो दे दे, वो भी मैं वहां पे सेट करके रख दूं। बाकी ये सिल वाले काम की मुझे अब कोई समझ नहीं है कि ये क्या सीन है। एक दफा उनको बुला के दोबारा दिखा दूंगा, पैप बंद कर जो, खोल जो, जो मर्जी कर जो, इसके साथ यही मामला चल रहे हैं घर के। लेकिन वो मैंने जाके ना इंशाल्लाह उनको सुबह कहना है कि भाई एक दफा घर आके दोबारा चेक कर लें, सील अगर खत्म हो रही है नहीं हो रही, तो फिर बाद मुझे ना कहिएगा कि आपने बताया नहीं है, तो हमारी दीवार ऊपर तक चलेगी सील में ऐसी एक साथ। हाँ, सुबह बता दूंगा उनको। और मजे की बात ये है कि अक्सा कह रही है यहाँ से वॉशिंग मशीन उठा के वो ड्राइंग रूम वाले वॉशरूम में करनी है, और वहां वाले वॉशरूम का पता क्या सीन है, वहां नार चलते हैं लाइटें चलाए तो पटक पटक होता है वहां पे। नहीं नहीं वो मशीन तो उधर कर देता हूँ अभी उठा के। अभी हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं, आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा ये देखें, ये वही आग लगी हुई है। आग लगी अंदर, वो देखे धुआं निकल रहा है, अभी लाइट फट के नीचे गिर गई है, वो देखें ये सामने धुआं जा रहा है, बगैर किसी वजह के धुआं जा रहा है। मैंने तो उनको कल लाइट्स का कॉल करके कहा था, कह रहे थे करवा देंगे, कल हमने लाइटें गिनी थी 36 थी, आज 37 और 38 लाइटें हो गई हुई हैं टोटल, अभी तक 38 लाइटें खराब हो गई हुई हैं। अगर उन्होंने चेंज ना करवा के दी, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने नहीं चेंज करवा के देनी, मेरा तो एक माइंड बना मैं तो भाई घर चेंज कर लेना सीधी साफ बात, इतना कोई रोले वाली मसला कोई नहीं है, सिलें वक्री वक्री चली जानी। अक्सर इस बार कह रही है कि नहीं अभी हम लोग साल रहते हैं, क्योंकि मैं अगर देखूँ ना तो इसमें घर में रहने वाला हाल कोई नहीं अभी तक। घर की नजर आप लोगों को खूबसूरती चेक करवाते हैं, ये देखें जरा ऐसे ऐसे दीवारें भी साफ करें, मुफ्ती का आपको बर्फबारी मिलती है घर के अंदर, ये देखें ये देखें ये देखें। और मजे की बात है उनको जब मैं जाके कहता हूँ ना, पहले कहते हैं अभी बताया ना करें, जब मैं जाके बता दूं फिर कहते हैं आपने बताया बहुत लेट है, आप हमें जल्दी बताया करें, ये किया करें, ये देखें ना यहाँ पे किस तरह बुर अभी तक उतरी जा रही है। तो अक्सर ये क्या लग रहा है, ये सील रुकी है कि कोई नहीं रुकी फिर? वाला चले जी भाई आप लोगों के सामने ये देख लें ये वाले सीन बने, पर अगर घर अब हम लोग चेंज करें ना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस वजह से हम लोग जल्दी घर चेंज करें, ये तो हमारा दिल था कि हम इसमें साल दो साल रहेंगे, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा मुझे अभी साल दो साल इसमें रुकना। फाइनली जी हमारा ये वाला रूम जो है बिल्कुल नीट हो गया हुआ है, आयशा वाला रूम बिल्कुल जबरदस्त हो गया, बाकी वो दीवारें आप लोगों को गंदी नजर आ रही हैं, ये अब गंदी रहेंगी, इनका हम कुछ कर नहीं सकते। अक्सा भी अंदर पता नहीं बिस्तरों के साथ मेरे ख्याल से कोई लड़ाई शड़ाई चल रही है, यहाँ पे कुश्ती वगैरह हो रही है बिस्तरों के साथ। हाँ ये वाली दीवार तो खुश्क है, ये होगी ये खुश, इसको वहां से धूप लगती है ना विंडो से, ये खुश्क होगी फिर उसको धूप नहीं लगती। और ये हमारे वो सारे कपड़े जो मैंने अक्सा को ऑप्शन दिए, अभी आप सारे यहाँ पे रखते हैं, अक्सा कहती है मैंने सेट करके रखने, मैंने कहा नहीं यार अभी रहने दे, अभी आप यहाँ पड़े हैं, वो आपने दिखाया नहीं अभी तक अपना, ये वाला सूट वो वाला भी दिखाती हूं। ये पहले इतना सफाई सारी काट लेना फिर बाद में दिखाना है।
अभी ये वाले मामला चल रहे हैं कि अफसर ने नया आइडिया दिया, अफसर कहती पानी तो अब गिराया नहीं जाना, सारा फर्नीचर तो हमारे से दोबारा उठाया नहीं जाना, वैसे भी गंद इतना ज्यादा नहीं था, तो अफसर ने कहा कि मोब ज्यादा गीला करके ना, मतलब ऐसे 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 करके इसको और ऐसे ऐसे आप करके लगा देना सारा मोब, और साथ कह रही मैं वाइपर फिरती जाऊंगी। वे इतना दूर क्यों जा रही है, इतना दूर जरूर जाना था, शीशा शूशा रहने दे अगली वाली चीजों को बस हिला लें। इसका तो दिल करता कोई मतलब फ्रेंच थले भी है ना तो उधर भी जाकर तोड़ के सफाई करके आ जाओ। गंदा तो हुआ है लेकिन इतना तो नाना बारीकी में पड़े कि काम ज्यादा ही बढ़ जाए। और पंखे चल रहे हैं ऊपर फुल जनवरी की ठंड में, पंखे फुल स्पीड में चल रहे हैं, नीचे अक्सा मैडम पेपर लगा रही है, मैं तो कहता हूँ फैन बाद में चला रही थी, जनवरी की ठंड में फुल वाइपर चल रहे क्योंकि पानी गिराया था ना नीचे, तो अक्सा साथ साथ कह रही है कुछ भी रहेगा, फुल वाइपर चल रहे हैं ठीक है कर ले, फैन चल रहे हैं, ठंड लग रही है इसलिए साइड पे खड़ा हूँ, ये तो वाइपर लगा रही है इसलिए इसको मेरे ख्याल से फील ही कोई नहीं हो रहा, मैं तो जरा सा वापस खड़ा लगा, मैंने अपर पहनी हुई तो मुझे तो अच्छी खासी हवा लग रही है लेकिन लगी हुई है, कहती फैन चला के बाद में आपको भी आप बची आपको भी जुकाम हो जाना है। हाँ जी हो गया काम, ये इतना इजी हो गया, पर शिमला गंदा था, इतना साफ हो गया नहीं, ये देखे बिल्कुल आप लोगों को नजर आ रहेगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, ऐसे ही करना चाहिए था। ले जी किचन से लेके अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी घर है ना सारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, ये शीशा बड़ा साफ करने वाला था, इसको अक्सर मैंने मिल के साफ किया, अक्सर ने गीला कपड़ा मारा है और मैंने जो है ना इसको टिश्यू वगैरह लगा के ना साफ साफ किया, अभी अक्सर गई है अंदर अब्दुल्ला के पास, इस साइड से भी आप लोग देखें बिल्कुल जितना भी घर है ना डस्टिंग वगैरह फ्रिज की जो भी सारा कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल घर नीट एंड क्लीन हो गया। जो अक्सर को अब सबसे ज्यादा टेंशन लगी हुई है ना वो कह रही है कि आप वॉशिंग मशीन जो है ना वो एक दफा दूसरे रूम में सेट कर दे, लाइट चलाते हुए डर लगता है क्योंकि एकदम पटाखे ना फट जाए, अब इस तरह करते हैं मशीन को जल्दी जल्दी वॉशिंग मशीन को देखते हैं और उसको जाके ड्राइंग रूम में सेट करते हैं, ये वाला वॉशरूम जो है ना इसको पक्का पक्का ऑन कर देते हैं क्योंकि ये हमने बंद किया हुआ था पहले, लेकिन अब मेरा प्लान बन रहा है अक्सर का भी यही बना है कि इसको हम लोग ना वॉशरूम को ऑन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल घर में कोई मेहमान वगैरह आता है हम अगर ये वाला रूम यूज करें या मेहमान को ये वाला रूम दे रहे हैं, जिस तरह के पीछे आंटी लोग आए थे उसामा भी आया था, तो वो वाले वॉशरूम से ना मतलब उस वाले वॉशरूम में जाना पड़ता है, ये वाला वॉशरूम बंद हुआ पड़ा, अब ये वॉशरूम चल जाएगा ना तो ये इसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाएगा, एक साइड से आप पकड़ लें एक साइड से मैं उठा, तो इतनी वजनी नहीं है तो राम राम से दोनों ना ले जाते हैं, मैं अकेला उठाऊंगा मैं कहता हूँ हमें खराब हो जाएगी। हाँ मसला पता है क्या, जब से मुझे पता लगा ना 80,000 रुपये की होगी ये वो पीछे 80,000 रुपये की होगी तब से ज्यादा डर लगने लग पड़ा, ठीक है आहिस्ता आहिस्ता चलो बस। ले जी हमारा ये वॉशरूम जो सा ये भी बिल्कुल अब चल गया हुआ, इसका मुस्लिम शावर वगैरह जो भी होता है सारा कुछ बिल्कुल सेट हो गया हुआ, अक्सर यहाँ से वाइपर वगैरह लगा के ना सारा साफ सुथरा कर दिया हुआ है, और लास्ट पे अक्सर आ गई किचन वाली साइड पे चूल्हा वगैरह जो सा ये बस साफ सुथरा करने वाला रह गया और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर बिल्कुल नीट हो गया हुआ है, कैसा लग रहा है घर फिर साफ होके, वो अब हम क्या करें अब हमें काम तो करने है ना फिर घर के, फिर आपको हाँ तो यही तो मसला है क्यों रो रहा है मुझे खुद नहीं समझ आ रही, हाँ वो ही ना अक्सर को अपने पास से ना जरा भी उठने नहीं दे रहा, अक्सर किचन साफ करने के लिए पहले वॉशरूम की, अक्सर आप किचन साफ करने आई है तो वो भाई साहब पीछे शुरू हो गए हुए कोई नहीं हो जाएगा ठीक, कोई नहीं मसला उसकी वो तबीयत खराब हुई ना इसलिए रो रहा है, सही बात है सर्दी नहीं आ गई ना बच्चों के सारे निजाम खराब किए पड़े, आयशा का इतना को दिल कर रहा है ना कि मैं उस रूम से बाहर निकल के खेल सकूं लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा इसको खेलने का, अभी मैं इसको बाहर लेके आया मैंने कहा 2 मिनट खेल ले बाहर जितनी देर हम है, और साथ साथ हमें टेंशन भी लगी हुई है कि इसको ठंड ना लग जाए, ओ भाई मैंने क्या कहा उधर मैट के ऊपर इसी तरह ही आए, साफ हो गया घर नीट एंड क्लीन हो गया ना घर, हाँ और वो दो अक्सर जो कुशन लेके आई थी ना अक्सर लाके वो सामने सेट करके रखे यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं बस जिधर पड़े हैं उधर पड़े रहने थे ठीक लग रहे हैं, और लास्ट पे इतना काम करने के बाद एक कप चाय का जरूर बनता है, एक आपका कप और एक मेरा कप, अक्सर चाय बना रही है इसके बाद हम लोग अंदर बैठेंगे आराम से, हाँ अपनी वीडियो शीडियो एडिट करेंगे अपलोड करेंगे, अक्सर 2 मिनट अपना मोबाइल यूज करेगी साथ साथ हम लोग चाय पियेंगे, माल्टे होते तो हम साथ साथ माल्टे भी जरूर खा लेते हैं, बाकी कल अपने हीटर के सामने बैठ के माल्टे के आए हैं, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अक्सर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में गुलनाज और कबीर आ जाएंगे तो आप लोगों के साथ जरूर मिलवाएंगे, फिर हम लोग इंशाल्लाह बुफे पे भी जाएंगे, हमें दीजिए फिर इजाजत, अल्लाह हाफिज़।